देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूँ पायल आहूजा। अभी हम पहुँच चुके हैं रोहतक के भिवानी स्टैंड पे, जहाँ पर आपको बता दें कि अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया है रोहतक में। यह 10 दिवसीय तक चलने वाला यह सम्मेलन श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उर्मिला नंदगिरी जी महाराज द्वारा किया गया है। आपको बता दें 10 दिवसीय तक चलने वाला है यह सम्मेलन और आज इसी के मद्देनजर रोहतक में शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो रॉयल गार्डन से लेकर अभी भिवानी स्टैंड तक पहुंची है। इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको रोहतक के भिवानी स्टैंड पे दिखा रहे हैं। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं अवश्य खबर को शेयर करते चले, साथ ही इनके सम्मान में दो शब्द अवश्य लिखे। रोहतक वासियों की मंगल कामना के लिए आज इन लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको डिजिटल भूमि के माध्यम से दिखा रहे हैं। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी कि आज मेरे रोहतक, हाँ जी नमस्कार जी, मेरे रोहतक में शोभा यात्रा निकल रही है मेरे रोहतक वालों के लिए, आपके आपके बच्चों के लिए, आपके मंगल के लिए। मंगल कार्य कर रहे हैं, घंटा चढ़ा रहे हैं और माता का आदि सभी को जय माता की, जय श्री राम। हमारे रोहतक में शोभा यात्रा निकल रही है, हमारे बड़े बूढ़ों का सम्मेलन हो रहा है, खूब रौनक लगी हुई है, शोभा यात्रा निकल रही है, देखो मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। जय जय श्री राम। अभी की सीधी तस्वीरें हम आपको रोहतक के भिवानी स्टैंड से दिखा रहे हैं। रोहतक में देखने को मिल रहा है सभी तो देश विदेश से। प्रदेश से, देश से, विदेश से हजारों की संख्या में जो किन्नर समाज के लोग हैं आज यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ा सुंदर नजारा जो है शोभा यात्रा में देखने को मिल रहा है। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी जो भी लगे हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं अवश्य इनके सम्मान में दो शब्द ना लिखना भूले। हाँ जी, हम रेवाड़ी से आए हैं किन्नर समाज में, यहाँ हमारा किन्नरों का सम्मेलन हो रहा है माई बामणी माई खातर जी के रोटी के उपलक्ष में। हम यहाँ पूरे हिंदुस्तान के किन्नर एकत्रित हुए हैं, खैर वतन एला हिंदुस्तान के पूरे रोहतक के सुख शांति के दुआ यात्रा करते हैं, कामना कर रहे हैं। सब भाइयों को, सब बहनों को राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आई हुई हूँ साजापुर रिवाड़ी से, सपना नायक। भाइयों का सम्मेलन हो रहा है और रोहतक की दुआएं मांग रही हूँ, सबको अच्छा खुशियाँ देवे, दुख दुख बसे परिवार, देर सबको ध्यान लगे, खुशियाँ देवे। यात्रा निकल रही है और बहुत खुशहाल है सारे रोहतक वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, आए हैं, बहुत खुशी हो रही है। आप मंदिर आए हैं घंटा चढ़ाने के लिए, मंदिर आए हैं हम लोग और यहाँ से मंदिर आए हैं घंटा चढ़ा करके, पूजा पाठ करके, दुआएं करके ये लोग। Thank you.
आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण रोहतक से, जहां पर आपको बता दें अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। यह आयोजन 22 फरवरी से चल रहा है और आज जो है किन्नर समाज द्वारा जो है शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण डिजिटल भूमि के माध्यम से और बहुत ही भव्य जो नजारा है यह आज रोहतक शहर में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण डिजिटल भूमि के माध्यम से। तस्वीरों में देख पा रहे हैं रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर में अभी हम पहुंचे हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री उर्मिलानंद गिरी जी महाराज द्वारा 10 दिवसीय इस आयोजन का, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में किन्नर समाज के जो लोग हैं यहां पहुंचे हैं और आज इनके द्वारा इसी सम्मेलन को देखते हुए शोभा यात्रा निकाली गई है, जो कि रॉयल गार्डन से चलकर अभी भिवानी शयन दुर्गा भवन मंदिर तक पहुंची है। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, बड़ा ही सुंदर नजारा है, हजारों की संख्या में किन्नर वर्ग के समाज यहां पर पहुंचे हैं, इनके सम्मान में दो शब्द अवश्य लिखे, साथ ही इस खबर को शेयर करते चले। हेलो नमस्ते, हम उत्तराखंड से आए हैं, रजनी मैडम के परपोते हम उनके घर से आए हैं। हाँ, रोहतक में पहली बार खूब इंजॉय हो रहा है, सभी हमारे जजमान को खूब जीते रहे, पहले फूले रहा है, बहुत अच्छे से हो गई, बहुत प्यार से हो गई। रोहतक वासियों को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, रोहतक वासी भी बहुत अच्छे हैं, हमारे तरफ से बहुत सारा उनके लिए प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, मालिक उनको राजी खुशी रखे, नहाते धोते सब खुशियाँ ही खुशियाँ दे सबको। मंदिर में आई है इसलिए भगवान के लिए प्रार्थना करने के लिए, भगवान से कि उनके बच्चे राजी खुशी रहे, परमात्मा उनको खुशियाँ दे। में हम लोग से हैं, हमारे लोग पहाड़ पौड़ी से हैं, श्रीनगर से हैं। कितनी 29 तारीख तक है मैम? मतलब ऑल इंडिया से आए हैं, कुछ लोग लखनऊ से भी हैं, दिल्ली से, बिहार से, यूपी, हर एक जगह से, ऑल इंडिया से किन्नर आए हैं। बहुत अच्छा समय, मैं तो थैंक यू देहरादून से हूँ। नमस्ते सबको। पहली बार आया रोहतक? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा लगे, सबको एक बोलूँगी, सबको धन्यवाद। 1 तारीख तक होने वाला है और हम लोग तो आज इसीलिए आए हैं, सबके लिए पूजा करने के लिए आए हैं, जितने भी यहाँ के क्षेत्रवासी हैं ये इन सबके लिए दुआ करेंगे हम। बहुत अच्छा यात्रा आपने रॉयल गार्डन से निकाली थी, कहाँ तक आप जाने वाले हैं इसके बारे में मुझे जानकारी? जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर जो नजारा है आज रोहतक में देखने को मिला है। रॉयल गार्डन से चली शोभा यात्रा अभी फिलहाल रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर में पहुंची है, हजारों की संख्या में यहां पर किन्नर समाज के लोग हैं यहां पहुंचे हुए, देश से विदेश से हरियाणा से यहां पर किन्नर समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि रोहतक वासियों के लिए मंगल कामना करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, पूजा करने के लिए। 10 दिवसीय तक यह सम्मेलन जो है चलने वाला है। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री उर्मिलानंद गिरी जी महाराज द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया है। अभी हमारे साथ दिल्ली से एक जो मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी कि इन सब के सम्मान में
दो शब्द अवश्य लिखें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस नज़ारे को देखते हुए। रोहतक वासियों की शुभकामनाओं, रोहतक वासियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए इन्होंने पूजा आराधना की है, शोभा यात्रा आज निकाली है। सुंदर नज़ारा है जो आज रोहतक में देखने को मिल रहा है, एक त्यौहार की तरह जो है आज रौनक जो है रोहतक में देखने को मिली है। हजारों की संख्या में किन्नर समाज के लोग देश विदेश से रोहतक में पहुंचे हुए हैं। अब देख रहे हैं सी तो इसमें रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर से जहाँ पर जो है किन्नर समाज की शोभा यात्रा पहुँच चुकी है और यहाँ पे अभी रीति रिवाज के साथ पूजा वर्ण करेंगे। तो आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण इस आपको बता दें 22 फरवरी से जो है अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उर्मिलानंद गिरी जी महाराज द्वारा किया गया था, जो कि 1 मार्च तक चलने वाला है। 10 दिवसीय यह प्रोग्राम है जिसमें आज जो है पांचों दिन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें देश विदेश से दूर दूर से हजारों की संख्या में जो है किन्नर समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण डिजिटल भूमि के माध्यम से। ये वाला भी दे रोहित रोहित
देख रहे हैं दुर्गा भवन मंदिर में जो है पूजा पाठ शुरू होने वाला है। किन्नर समाज के देश विदेश से जो है लोग हजारों की संख्या में रोहतक पहुंचे हुए हैं इस अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में। और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से, जहां पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उर्मिलानंद गिरी जी महाराज के द्वारा जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और अब पूजा पाठ में जो है सम्मिलित हुए हैं। तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से, जहाँ पर जो है किन्नर समाज के हजारों की संख्या में जो है लोग पहुंचे हुए हैं और पूजा पाठ का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है। और आज शोभा यात्रा थी जो भिवानी रोड स्थित रॉयल ग्रैंड से जो है निकली थी और अभी ये पहुंची हैं रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर में। आप देख रहे हैं शंकर वाणी मंदिर में जो है घंटा जो है वो दान किया गया है, वही माता के चरणों में जो ऐसे रखा गया है। किन्नर समाज के हजारों की संख्या में जो लोग हैं पूरे देश से विदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण डिजिटल भूमि के माध्यम से। अभी जो है शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण डिजिटल भूमि के माध्यम से। Thank you.
तो अभी जो है शिवलिंग पर पहुंच चुके हैं और इनका अभिषेक किया जाएगा जल से। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण डिजिटल भूमि के माध्यम से। आपको बता दें रोहतक में जो है 10 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है, जिसको जिसकी आयोजककर्ता जो है वो है पता नहीं श्री श्री एक तारा महामंडलेश्वर उर्मिलानंद गिरी जी महाराज जो है उन्होंने इसको आयोजित किया है। और आज इस प्रोग्राम का 5वां दिन है जिस दिन शोभा यात्रा का जो है आयोजन यहाँ पे किया गया है। और अभी जो है शिवलिंग का जलाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सीधा तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से, जहां पर मैंने आपको दिखाया कि अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन जो है 5वें दिन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं सीधा तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। भैया फोटो वाला कहा, वीडियो वाला बोल रहे हैं, वीडियो बनाओ भाई, आते हुए जल्दी आओ। आप देख रहे हैं बहुत ही जो सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है रोहतक शहर में। आ जाओ भैया, परले भाई एक परले बजाओ यार, एक परले बजाओ, हम देख रहे हैं अच्छी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। दुर्गा भवन मंदिर में पहुंच करके जो है पूजा पाठ की गई है और अब जो है शोभा यात्रा वापस जहाँ से जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है इनका महासम्मेलन जो कि भिवानी रोड पर स्थित रॉयल ग्रैंड में है, वहाँ की तरफ जो है अब वापसी होगी।
अब जो है शोभा यात्रा जहाँ पर जो सम्मेलन का आयोजन हुआ हुआ है वहाँ के लिए जो है चल चुकी है दोबारा से। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। सम्मेलन के लिए ये हमारी फूल पत्ती निकल रही है। मैं बोल रही हूँ देहरादून उत्तराखंड मैडम रजनी रावत के यहाँ से सलोनी किन्नर। कितना मजा आ रहा है। हम उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आए हैं और खूब मजा आ रहा है सम्मेलन का। मैडम रजनी रावत की पार्टी से है हम उत्तराखंड की जो हमारी मालक है। जय माता दी जय माता। कितने धूमधाम से जो है शोभा यात्रा शहर में निकाली जा रही है।
समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। श्री श्री 1008 उर्मिला नंदगिरी महाराज जी द्वारा यह सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल जो है सिक्योरिटी के लिए देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किन्नर समाज के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। रोहतक में आज बड़ा ही अद्भुत सा प्यारा सा नजारा देखने को मिल रहा है। देश से विदेश से हजारों की संख्या में किन्नर समाज के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। 10 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। श्री श्री 1008 उर्मिला नंदगिरी महाराज जी द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें एक ऐसे ये हरियाणा के किन्नर हैं जिन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से सुसज्जित किया गया। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ पा रहे अवश्य खबर को शेयर करते चलें। इनका कहना है कि रोहतक वासियों के लिए मंगल कामना करने के लिए, रोहतक वासियों के लिए दुआएं देने के लिए हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। यज्ञ हम लोगों ने किया है, 10 दिन तक यहां पर पाठ पूजा जो है चलने वाली है, जिसका सीधा प्रसारण अभी आप भिवानी स्टैंड से देख पा रहे हैं डिजिटल भूमि के माध्यम से। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं अवश्य इनके सम्मान में दो शब्द जरूर लिखें, और साथ ही आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनको लेकर वो भी अवश्य बताएं। बड़ी दूर से ये लोग पहुंचे हैं यहाँ पर रोहतक वासियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। इन्होंने 10 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन रखा हुआ है। इसी के मद्देनजर रॉयल गार्डन से लेकर भिवानी स्टैंड तक इनकी शोभा यात्रा जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं निकाली गई है। 22 फरवरी से इस सम्मेलन का जो इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और 10 दिन तक है चलने वाली है। आपको बता दें श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री उर्मिला नंद गिरी जी महाराज के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देश से विदेश से पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में किन्नर समाज के वर्ग किन्नर समाज के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, जिसका सीधा प्रसारण हमने आपको 2 दिन पहले भी दिखाया था। लगातार हम आपको इस आयोजन की तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से दिखा रहे हैं। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी अवश्य खबर को लाइक करते चले। भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है इनकी सिक्योरिटी के लिए। देख सकते हैं आप जो बाउंसर हैं इनकी द्वारा सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया है। अभी की सीधी तस्वीरें हम आपको भिवानी स्टैंड से दिखा रहे हैं। इनकी जो शोभा यात्रा थी रॉयल ग्रांड से लेकर अभी भिवानी स्टैंड तक पहुंची है, नाचते हुए धूम करते हुए इन्होंने अभी दुर्गा भवन मंदिर में पूजा अर्चना की, कलश धारण किया, उसके बाद अब लोग ये चल पड़े हैं। एक त्योहार की तरह जो है आज रोहतक में रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों ने अपनी शोभा यात्रा निकाली है, जिसका सीधा प्रसारण हम आपको डिजिटल भूमि के माध्यम से दिखा रहे हैं।
चलने वाली जो यह सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उर्मिला नंदगिरी जी महाराज द्वारा रखा गया है रॉयल गार्डन में इसका जो सम्मेलन है चल रहा है, उसी के मद्देनजर आज इन लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें देश विदेश और प्रदेश से हजारों की संख्या में किन्नर समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी सुंदर जो नजारा है हमने आपको डिजिटल भूमि के माध्यम से लाइव तस्वीरों में दिखाया। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं अवश्य इस खबर को शेयर और लाइक करते चले, साथ ही इनके सम्मान में दो शब्द अवश्य कहें। इसी के साथ मैं पायल आहूजा यहीं पर विराम लेती हूँ। ऐसी नई अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि, साथ ही इनके आने वाले प्रोग्राम भी हम आपको इसी तरह डिजिटल भूमि के माध्यम से दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मैं पायल आहूजा यहीं पर विराम लूंगी। धन्यवाद।